हेलो किड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको स्वरों का ज्ञान कराया था व कुछ स्वरों को लिखना भी सिखाया था। आज आप स्वरों का अभ्यास करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। पहले आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, फिर अपनी हिंदी की बुक स्वर वृक्ष से स्वरों का अभ्यास करेंगे। अ से अनार, अ आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, ओ से उल्लू, री, री से ऋषि, ए, ए से एड़ी, ए, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ, औ से औरत, अंग, अंग से अंगूर, अब आप हिंदी की नोटबुक का पेज नंबर 34 खोलेंगे। क्या खोलेंगे? पेज नंबर 34। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। अंग बनाने के लिए एक कर्व बनाएंगे, उसी के साथ जोड़ते हुए एक और कर्व बनाएंगे, दोनों कर्व से जोड़ते हुए एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन से जोड़ते हुए एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन बनाकर उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगाकर अक्षर को पूरा करेंगे। एक बार और देखिए, अंग बनाने के लिए एक कर्व बनाएंगे, उसी के साथ जोड़ते हुए एक और कर्व बनाएंगे, दोनों कर्व से जोड़ते हुए एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन से जोड़ते हुए एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन बनाकर उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगाकर अक्षर को पूरा करेंगे। अब आप पेज नंबर 36, 37 पर अंग बनाने का अभ्यास करेंगे और दिए गए अंगूर के चित्र में रंग भी भरेंगे। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? आज आपने सभी स्वरों का ज्ञान किया और स्वर अंग को लिखना सीखा। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे कलरिंग वर्क।
कलरिंग वर्क करने के लिए आप अपनी आर्ट एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 27 खोलिए। यहाँ क्या बना है? यहाँ बना है एक ग्लास। क्या बना है? एक ग्लास बना है। ग्लास में क्या है देखकर बताइए बच्चों। ग्लास में ठंडा ठंडा जूस है। जूस को आप किससे पीते हैं? स्ट्रॉ से। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ स्ट्रॉ पेस्ट करनी है। क्या पेस्ट करनी है? स्ट्रॉ। अब आप यहाँ स्ट्रॉ पेस्ट करिए। आशा है आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आप कराए गए कार्य का अभ्यास करें। बाय बाय।